आप लोग देखते होंगे संजय सिंह को, राज्यसभा में भी देखते होंगे, और आजकल वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी एक तरह से नया मोड़ खड़ा किए हुए हैं। इनकी आम आदमी पार्टी भी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। तो संजय सिंह के बारे में मैं गूगल पर कई जगह मैंने सर्च किया हुआ है, इनके बारे में जितने पॉइंट मिले हुए हैं मुझे लगता है कि उतने काफी नहीं है। अगर आप लोग संजय सिंह को और अच्छे से जानते हैं तो आप लोग नीचे लिखिएगा भी, जिससे मुझे भी मालूम चल सके, क्योंकि बिंदास आदमी है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में देख लीजिए किस तरह से तूफान लाते रहते हैं। कृषि कानून पर आपने देखा है किस तरह से, मतलब आप सोचिए कि मुझे लगता है कि अगर 5 साल संजय सिंह जैसे अगर राज्यसभा में सदस्य हों तो आप समझ सकते हैं कि हिला के रख देंगे, बिंदास नेता कह सकते हैं आप लोग। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे, यही है संजय सिंह, राज्यसभा सांसद भी अभी। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका नाम संजय सिंह है और 22 मार्च 1972 को इनका जन्म होता है, यानी कि आप समझिए जब हमारा पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था उसके 1 साल बाद। आप सभी जानते हैं कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद एक नया देश उभर के बांग्लादेश आया हुआ था, ठीक है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी इनकी पकड़ भी मानी जाती है। और इनके जीवन साथी की बात करें तो अनीता सिंह है, इनके 2 बच्चे भी हैं, तो ये तो इनका पारिवारिक बैकग्राउंड हो गया। अब आती है शिक्षा की बात, तो आपको बता दूं उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से खनन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया हुआ है, और इनकी व्यवसाय की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनेता भी है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी है। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पूर्व 16 साल तक फेरी वालों के अधिकारों के लिए काम भी किया हुआ है। तो आज आप लोग देखते लेते हैं ना कि ये सांसद है राज्यसभा से सदस्य या लोकसभा से सदस्य, उसका पीछे का बैकग्राउंड भी तगड़ा होता है, लंबा सफर भी होता है। आप समझ सकते हैं कि 16 साल किसी के अधिकारों के लिए आप लड़े तब जाकर आपको ये पदवी मिली हुई है। और इनका पहला आंदोलन लोगों के अधिकारों के लिए भारत के उड़ीसा के क्योंझर में भ्रष्टाचार की विचलन के खिलाफ था। यहाँ आप देख भी सकते हैं, उड़ीसा को भी देख सकते हैं, देखिए ये आपका उड़ीसा और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और आपको बता दूं यहाँ के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, काफी अच्छे मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे दिल्ली में, ये आपको दिल्ली दिखाई देगी, यहीं से राज्यसभा सांसद है, और राज्यसभा सांसद कहने का मतलब होता है कि जो आपके विधायक होते हैं ना इन्हीं के द्वारा आपके राज्यसभा सदस्य को चुना जाता है, ठीक है, विधायकों के द्वारा चुनते हैं। साल 1994 में आप देखेंगे कि संजय सिंह ने सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन नामक एक संगठन भी शुरू किया हुआ था, और जिसमें इन्होंने गरीबों के बीच काम करना शुरू किया और कई रक्तदान शिविर का आयोजन भी इन्होंने किया, स्वास्थ्य शिविर, लोगों के अधिकारों के लिए अभियान भी चलाए हुए थे, और इन्होंने आजाद सेवा समिति के साथ भी कई वर्ष तक काम भी किया जो आगे चलकर नेशनल हॉकर्स एसोसिएशन का हिस्सा बन गया। और फिर आप देखते हैं कि इन्हें आम आदमी पार्टी का संकट मोचन तो कहा ही जाता है, भगवान श्री राम का संकट मोचन कौन था, हनुमान जी, तो अरविंद केजरीवाल का समझ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग बिहार जैसा हाल ना हो कि आपने देखा एक राजनीतिक हनुमान हुआ करते थे चिराग पासवान, उनका क्या हाल किया राजनीतिक राम ने आप सभी के सामने हासिल है। उनका एक तरह से आप कहिए कि राजनीतिक करियर पर ही एक तरह से ताला लगा दिया। अब वो कितने राजनीति के क्षेत्र में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो राजनीति में कहते भी तो हैं कि अपने बाप का नहीं होता नेता, तो ये हकीकत भी मुझे लगती है कभी कभी, ये जनता का क्या होगा। साल 2002 में ये संदीप पांडे के साथ काम करने लगे, और इन्होंने 2007 के को
कोका कोला आंदोलन के माध्यम से बाद में मेधा पाटकर, असगर अली इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट थे, राम पुण्यानी पूर्व प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे के साथ भी जुड़कर इन्होंने काम किया हुआ है। मेधा पाटेकर को तो आप लोग सभी जानते हैं, अभी किसान आंदोलन में काफी इन्होंने भागीदारी की हुई है, दिखाई भी दे रही थी। घर घर पर तक आम आदमी पार्टी की छवि को स्थापित करने के लिए उन्होंने पार्टी के प्रचार का नेतृत्व भी किया। उत्तर प्रदेश और पंजाब कई राज्यों में कई किलोमीटर की यात्रा भी पैदल की हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा भी निकाले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि काफी उत्तर प्रदेश में ये अपनी राजनीतिक छवि बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे लगता है इस समय कि विपक्ष में अगर इतनी मेहनत, संजय सिंह जितनी मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव अगर कर लिए होते तो वो सत्ता में हर हाल में आ जाते, कोई उनके मतलब आप सोचिए कोई शक ही ना होता। क्योंकि अखिलेश यादव के पास आप देखिए कि उनका पूरा बनी बनाई एक तरह से सीढ़ियां मिली हुई है, और अभी 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 जो आम आदमी पार्टी है इसे अपनी सीढ़ियां बनानी है। अब कितनी सीढ़ियां बना पाती है या नहीं बना पाती है ये तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही देख पाएंगे। साल 2017 से पहले इन्होंने किसी भी चुनाव को नहीं लड़ा और इन्होंने केवल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। और आप देखते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी सक्षम भी हुई, चुनाव जीती भी, भारी बहुमत से जीती हुई है। और साल 2018 में इनको राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय लोकतंत्र के उच्च सदन का नामांकन प्राप्त हुआ और राज्यसभा सदस्य भी बने। और याद रखिए 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा सांसद का, और लोकसभा सांसद अगर लोकसभा सदस्य की बात करें तो 5 साल का होता है, और लोकसभा सदस्य जो होता है ये आपका डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो अभी तक यही कहानी है और इनके बारे में ज्यादा कुछ अभी मुझे मिला भी नहीं है। और याद रखिए राजनीति में काफी इन्होंने अभी कोई डायरेक्ट चुनाव भी नहीं लड़ा हुआ है जनता के बीच जाकर, तो इसलिए अभी ही इनकी राजनीतिक सफर बाकी है। कहाँ तक पहुंच पाते हैं कहाँ तक नहीं पहुंच पाते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में 3 नेता काफी दिखाई देते हैं, और भी अगर आपको लगता है कोई है तो बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।